हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा, कल के क्लास से आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, तो अभी भी हम लोगों का डिवाइड ही रहेगा। आप लोगों को डिवाइड ही पढ़ना है डेसिमल में। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि डिवाइड के टॉपिक में हम लोगों ने डेसिमल में क्या क्या देखा। तो डिवाइड के टॉपिक में बेटा हम लोगों ने डेसिमल में दो चीज़ें देखा अभी तक में। एक तो हमने देखा कि नंबर आपका डेसिमल में है और जो आपको डिवाइड करना है वो ऐसे है। डिवीज़न मीन्स ए, इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। इसको बार बार बताते हैं, देख लीजिएगा, भूल ना हो। इसको डिविडेंड कहते हैं, इसी डिविडेंड को न्यूमरेटर भी बोला जाता है। इसी को न्यूमरेटर भी बोला जाता है। अब ए जो आपका होता है वो क्या होता है? डिवीज़न। ए आपका क्या होता है? डिवीज़र। और इस डिवीज़र को डिनोमिनेटर भी बोला जाता है। इस डिवीज़र को क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर भी बोला जाता है। और हम लोगों ने जो अब तक सीखा बेटा, एक तो था कि नंबर जो आपका डिविडेंड है वो डेसिमल में है और डिवीज़र में डेसिमल नहीं लगा हुआ है, उसको हमने डिवाइड करना सीखा। फिर उसके बाद में हमने जो टाइप, ये तो टाइप फर्स्ट था। टाइप सेकेंड में हमने क्या देखा कि वहाँ पर भी बेटा डिविडेंड जो है इसमें आपका डेसिमल है। सपोज दैट वही है, ऐसे ही लिखा गया है। डिविडेंड में डेसिमल रहेगा बट डिवीज़र में डेसिमल नहीं रहेगा। बट जो आपका डिवीज़र रहेगा वो 10, 100, 1000 इस रूप का होगा। जो आपका डिवीज़र होगा वो 10 से डिवाइड करना होगा, आर 100 से डिवाइड करना होगा, आर 1000 से डिवाइड करना होगा और 10,000 से डिवाइड करना होगा, इस ढंग का रहेगा। तो आपका क्या रहेगा? टाइप सेकेंड होगा। अब टाइप सेकेंड के बाद आज जो बारी है बेटा आपका टाइप थर्ड की। आज जो है आपकी बारी जो है वो आपका है टाइप थर्ड है। और टाइप थर्ड जो मिलेगा बेटा, टाइप थर्ड में आज आप लोगों को देखना रहेगा कोई कि आपका डिवीज़र में भी डेसिमल है एंड डिविडेंड में भी डेसिमल है। मीन्स ए आपका हो जाएगा ऐसे, इस ढंग का। आपका डिवीज़र एंड डिविडेंड दोनों में डेसिमल है, तब हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं, पहले कुछ प्रैक्टिस करते हैं फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस अपने मन से कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। अब सपोज दैट यहाँ आपको जो डिवाइड करना है 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 ऐसे है, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5। तो बेटा जब भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हमारे डिवीज़र में डेसिमल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने डिविडेंड में डेसिमल था तब तो आप लोगों ने डिवाइड कर लिया, बट डिवीज़र में डेसिमल अभी तक तो मिला नहीं था, अब मिल रहा है। जब डिवीज़र में डेसिमल रहेगा तो आपका पहला काम होगा डिवीज़र से डेसिमल को रिमूव कर देना। डिवीज़र से डेसिमल को क्या कर देना? रिमूव कर देना। तो जब डिवीज़र से करेंगे तो डिविडेंड दोनों जगह से डेसिमल को रिमूव करके सीधे फ्रैक्शन ला करके उससे डिवाइड कर लें। देखिए ये हो जाएगा बेटा आपका, यदि इसको जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 2.5 को, तो ये क्या हो जाएगा? डेसिमल को 1, उसके बाद जितने डिजिट उतना 0। तो ये आपका हो गया 25/10 और ये डिवाइड का साइन रहेगा, ये 0.5 है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? डेसिमल को 1, उसके बाद जितने पॉइंट डिजिट उतने 0। तो आपका क्या हो गया? 5/10 हो गया। अब देखिए, अब आप लोग जानते हैं बेटा कि डिवाइड में क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और इस साइड वाला जो डिवीज़र था वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब बेटा यदि किसी को कट करना आता है तब तो ये सीधे सीधे 10 से 10 कट करके 5 डिवाइड कर लेगा। और अगर इन केस किसी को कट करना नहीं आता है तब देखिए क्या करेगा। तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का। तो ये 225 में 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया? 250। और 5 में 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया? 50 आ गया। अब क्या करेंगे? ये 250 है, इसमें हम 50 से डिवाइड कर देंगे, इसमें हम 50 से डिवाइड कर देंगे। 2 पे तो जाएगा नहीं, तो तीनों ले लेंगे। तो 5 5 जा 25,
हो गया, आपका हो गया, तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब बात कुछ समझ में आ रही है, ऐसे ही आप लोगों को डिवाइड करना होगा। हम एक आंक और बता दे रहे हैं, सपोज दैट आपका है 1.25 डिवाइडेड बाई 1. ए सपोज ये 2.25 है, 1.5 है, ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये डेसिमल को 1, उसके बाद में जितने डिजिट उतने 0, और इधर डेसिमल को 1, उसके बाद जितने डिजिट उतने 0, तो ये आपका आता है 225/100 डिवाइडेड बाई 15/10। तो ये है 225/100 ये मल्टीप्लाई बाई 10/15 हो जाएगा। अब 225 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। अब इधर 15 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अब आपका क्या आया, 2250/1500। इसका मतलब क्या करेंगे अब आप, कि 2250 में 1500 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये 1 टाइम जाएगा, तो हम ले लिए आपका 1 टाइम, तो ये क्या हो गया, इतना ये 5 आया, और ये आपका क्या आ गया, 7 आ गया, 750 हो गया। अब नहीं जा रहा है बेटा, नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, डेसिमल ले जाएंगे। डेसिमल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 तो स्वतः ही मिल जाता है एच स्टेप में, तो आपका 10 मिल गया। अब हो गया 7500। अब 15 से करेंगे तो 5 जा चला जाएगा, तो 5 जा में आ जाएगा 7500। तो आपका आंसर क्या आया, 1.5। तो कैसे करना है, क्लियर हुआ, ओके। तो बेटा अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो आपका जो एक्सरसाइज है वो है 10F। 10F का देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पार्ट हम देख ले रहे हैं। इसमें है 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका बी पार्ट। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। फर्स्ट का ए देखते हैं, तो क्या है बेटा, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2। तो ये क्या करेंगे, पहले हम इसको दोनों को क्या करेंगे बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, डेसिमल को हमने 1 कंसीडर किया, उसके बाद जितने डिजिट उतने 0, ऐसे ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। और इधर वाले को क्या कर दिए, यहाँ डेसिमल को 1, उसके बाद 1 डिजिट तो 10। तो ये आपका क्या हो गया, 8/10 डिवाइडेड बाई 2/10। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 8/10 हो जाएगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में गया, न्यूमरेटर जो था वो कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये आपका देखिए क्या हो गया, आप सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर लिए, तो 8 में 10 से मल्टीप्लाई किए तो 80 हो गया, और 10 में 2 से किए तो 20 हो गया, वो क्या आ गया, 80/20। और ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, डिविडेंड, और नीचे वाले को डिवीज़र। तो अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे 80 में हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर लेंगे, तो 24 का क्या आ गया, 80। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 4। जो आपका आंसर आया वो कितना आया, 4 आया, राइट। अब बेटा इसी क्वेश्चन 2 का पार्ट भी देखिए, तो इसमें देखिए अब इसको भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को। तो ये आपका आया 3852/1000 डिवाइडेड बाई 18/10 डिवाइडेड बाई 18/10। तो ये आया 3852/1000, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, ये आपका हो गया 10/18। ये आपका क्या हो गया, 10/18 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3852/1800, ठीक। अब डिवाइड करते हैं, तो देखिए 3 to 5 डिजिट यहाँ भी हैं, 3 to 5 डिजिट यहाँ भी हैं,
तो मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पहली बार में 18 2 36, इतना आ गया। ये 0 हुआ है, 2 हुआ है, 5 हुआ है और ये 2 हो गया। अब इसके बाद हम क्या किया, हमने डेसिमल लिया तो ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब 18 1 18, तो ये इतना हो गया, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 2, ये आपका 7 हो गया, तो 72 हो गया। और डेसिमल बेटा यहाँ पर है, तो ईच स्टेप में अपने आप 10 आपको मिल जाएगा, तो आपका हो गया 72,000, आपका 18,000 है, तो 4 टाइम्स ले जाएंगे तो चला जाएगा। ठीक, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया, 2.14। ओके, तो ऐसे आप लोगों को डिवाइड करना होगा। अब हमें लग रहा है कि बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन कहीं नहीं हो रहा होगा। यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आकर के स्कूल में वो क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी में हम देखते हैं कि डिवीजर एंड डिविडेंड दोनों में डेसिमल्स हैं, तो फिर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को 1, उसके बाद जितने डिजिट उतने 0, इधर डेसिमल को 1, उसके बाद जितने डिजिट उतने 0। तो ये आपका हुआ 5/10 डिवाइडेड बाई 25/1000, ये आपका हो जाएगा 5/10, ये रेसिप्रोकल हो गया, तो आपका हुआ 1000/25, तो ये आपका हुआ 5000/250, कितना आ गया 5000/250। तो अब क्या करेंगे, 5000 में हम 250 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये 2 ज़ा हो जाएगा, 2 टाइम्स ले गए कितना हो गया 250, ये 0, 10 से 5 गया तो सॉरी 2 टाइम्स ले गए, तो 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 415, ये 0 0 आ गया, राइट। तो 2 टाइम्स ले गए तो 500, तो यही हो गया, तो ये तो सब चला गया, एक प्रकार से कट गया। अब ये जो 0 था ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ आया तो कुछ नहीं गया, तो 0 टाइम्स ले गए तो ये भी कट गया, तो आपका क्या आ गया उसका आंसर 20। आंसर आपका क्या आया यहाँ पे 20। तो ऐसे बेटा करेंगे आप लोग कन्वर्ट करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चन नंबर है जो 4 है उसका बी है, 4 का बी है। तो 4 के बी में हम लोग देखेंगे, तो ए हमारा है, इधर देखिए डिविडेंड में डेसिमल नहीं है बट डिवीज़र में आपका क्या है डेसिमल है, और हमारा काम होता है कि डिवीज़र से डेसिमल को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना, तो जहाँ डेसिमल नहीं है वो ऐसे ही रहेगा, और जहाँ पे है उसको हम क्या करेंगे रिमूव करने का प्रयास करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 15/5/100, तो ये आपका हो जाएगा 15/100/5, राइट, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15005। अब आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 15, ए 0 आ गया, 0 टाइम्स ले गए ये चला गया, फिर 0 आ गया, ये 0 टाइम्स ले गए ये चला गया, तो 300 आ गया आपका आंसर। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट सी है, तो पार्ट सी में देखिए कि डिवीज़र डिविडेंड में तो आपका डेसिमल नहीं है बट डिवीज़र में है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा डेसिमल का 1, ये इधर, तो ये आपका आया 15/48/1000, तो ये आपका हो जाएगा 15/1000/48, और ये अपान में 1 हो गया जिसका कुछ नहीं डिनोमिनेटर 1, तो ये आपका आएगा बेटा 15000/48। अब आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 48 से जब हम डिवाइड करेंगे, तो 3 जा ले जाइए पहले,
तो ये आया 6 आ गया, और ये इधर ये 60 हो गया, ये वन टाइम ले गए 48, ये 2 हो गया, इतना हो गया, एंड अगेन 2 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9, 2 अब आप कुछ नहीं है तो डेसिमल ले लीजिए, तो ये 240 हो गया, 240 हो गया तो 4 5 जा 5 ले जाइए, तो आपका इतना हो गया, तो आपका ये हो गया क्या आंसर, राइट। तो ऐसे ही बेटा आप लोगों को करना है, और आज हमने इसके साथ ही इस एक्सरसाइज को भी ओवर कर दिया, और जो आज डिवाइड का जो 3 टाइप्स के डिवाइड थे वो भी आज बेटा आपका क्या हो गया, ओवर हो गया। तो आज के लिए जो एच डब्लू रहेगा वो आपका रहेगा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 टोटल इतने क्वेश्चंस हैं, जिनमें यहाँ से यहाँ तक तो हमने कुछ ना कुछ बता दिया है, बाकी सब उसी टाइप के हैं, मोर के मोर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप लोगों को इन सब का भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना होगा। ओके ओके थैंक्स, तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।